हाल कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू माय चैनल। ये कि डैंड्रफ एक्चुअल में होता क्या है। कई बार सही देखभाल न होने की वजह से बालों में कई समस्याएं हो जाती हैं। डैंड्रफ या रूसी भी उसमें से एक है, जो सर की त्वचा में स्थित मृत कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। बालों में डैंड्रफ होने से बाल बेजान हो जाते हैं, गिरने लगते हैं और सर में खुजली भी रहती है। लेकिन बालों की थोड़ी सी देखभाल और अच्छे शैम्पू से आप न सिर्फ बालों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बल्कि डैंड्रफ से भी छुटकारा पा सकते हैं। डैंड्रफ का सबसे बड़ा कारण है स्कल्प की ठीक तरह से सफाई न हो पाना। अधिक पसीना और सीबम उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण भी यह समस्या होती है। इसलिए डैंड्रफ की समस्या होने पर बालों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार बालों को किसी अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। बालों की सभी समस्याओं खासकर डैंड्रफ का सबसे अच्छा उपचार है तेल मालिश। तेल मालिश से बालों को पोषण मिलता है, सिर की मांसपेशियां उत्तेजित होती है और रक्त संचार भी तेज होता है और बाल स्वस्थ, सुंदर, घने, लंबे और बिना डैंड्रफ के बनते हैं। इसीलिए हफ्ते में 1 बार तेल लगाकर बाल की मालिश करना अति आवश्यक है। मालिश के बाद बालों के रोम कुपों से गंदगी और मैल साफ करने के लिए स्टीम देना एक अच्छा उपाय है। इसके लिए गर्म पानी से तौलिया भिगोकर बालों पर अच्छी तरह से लपेट लें। स्टीम से रोम कुपों में फंसी हुई मैल और मृत कोशिकाएं आदि निकल जाती हैं और तेल भी अच्छी तरह से सर की त्वचा में चला जाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत बनती है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है। आपको पता ही होगा कि कैरोटीन बालों की सुंदरता के लिए कितना आवश्यक तत्व है, जो आंवले में पाया जाता है। बालों को पोषण देने के लिए आप आंवले का तेल लगा सकते हैं या फिर तुलसी और आंवले के पाउडर का लेप बनाकर सिर पर इसे मालिश करें और लगभग आधे घंटे के लिए इस लेप को लगा रहने दें। इसके बाद किसी अच्छे डैंड्रफ वाले शैम्पू से बालों को धो लें। डैंड्रफ की समस्या के लिए यह बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। अगर आप घरेलू उपचार चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है नींबू का रस, क्योंकि नींबू के रस में विटामिन सी, ए, बी, फॉस्फेरस और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे बाल चमकदार और घने बनते हैं। अगर बालों में डैंड्रफ है तो गरम तेल में नींबू के रस को डालकर मालिश करें। यह बालों का झड़ना भी रोकता है। नहाने से पहले नींबू के रस से सिर पर मालिश करें और फिर बालों को धो दें। इससे भी काफ़ी फायदा होता है। गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल से बना हुआ तेल डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके उपयोग के लिए गुड़हल के फूल का पेस्ट बना लें और नारियल के तेल को इसमें भिगाकर कुछ मिनट के लिए उबाल लें। इसे ठंडा करें और स्कल्प में अच्छी तरीके से लगाएं। रात भर के लिए इसको छोड़ दें और सुबह किसी अच्छे डैंड्रफ शैम्पू से सिर धो लें। देखना, कुछ ही दिनों में डैंड्रफ दूर हो जाएगी। घरेलू नुस्खों में डैंड्रफ भगाने के लिए एक और तरीका है दही। इसके लिए आप सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरीके से धो लें। अब दही को स्कैल्प पर लगा के हल्का हल्का मसाज करें और 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। अब फिर से शैम्पू से अपने बालों को धो लें। स्कैल्प के बैक्टीरिया को मार गिराने का सबसे अच्छा तरीका है दही का इस्तेमाल। दही प्रोबायोटिक्स गुण से समृद्ध होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। दही स्कैल्प के जीवाणुओं को साफ कर बालों को स्वस्थ बनाता है। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आप दही का इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
याद रखिए, बालों के लिए हमेशा ताजी दही का ही इस्तेमाल करें। एलोवेरा या एलोवेरा जेल। नहाने से पहले एलोवेरा जेल को अपने स्काल्प और अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाएं और उसको धीरे धीरे उसकी मसाज करें। इसके करीब 15 मिनट बाद अपने सर को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। एलोवेरा में प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा में पाए जाने वाले यह गुण डेंड्रफ की समस्या से निजात दिलाकर बालों को स्वस्थ और सुंदर रखने में मदद करते हैं। अगला घरेलू उपचार है हमारा हीना। हीना का पेस्ट बनाने के लिए आप एक चम्मच हीना यानी मेहंदी पाउडर, एक चम्मच आंवला पाउडर, एक चम्मच चाय पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच नारियल का तेल लें। एक बाउल में यह पांचों चीज का एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अच्छी तरीके से स्कैल्प पर लगाएं और इसको 30 मिनट से एक घंटे के लिए छोड़ दें। एक घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। हीना बालों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। डेंड्रफ को हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीना के एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण डेंड्रफ की समस्या को खत्म कर बालों को स्वस्थ और सुंदर रखने में मदद करता है। डेंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आप हीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला घरेलू उपचार है हमारा संतरे के सूखे छिलके से बना पाउडर और नींबू का रस। इसके लिए आप कुछ संतरे के सूखे छिलके के पाउडर को 5 से 6 चम्मच नींबू के रस में मिला लीजिए। संतरे के सूखे छिलके और नींबू के रस को बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आप अच्छी तरीके से स्कैल्प और बालों पे लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 30 मिनट बाद बालों को आप अच्छे से शैम्पू कर लें। संतरे का छिलका एक अम्लीय विशेषता से भरा होता है जो बालों के लिए सटीक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल की तरह काम करता है। रूसी की समस्या से बाहर आने के लिए आप संतरे के छिलके का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये घरेलू टिप्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बाजार में उपलब्ध बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।